रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना है। आपके लिए एक पिज़्ज़ा बाटी बना के दिखाऊंगी आपको आज। ऐसे तो बाटी आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन जो नॉर्मल सत्तू भर के या मटर भर के, हरी मटर भर के या पनीर भर के बनती है, आज मैं पिज़्ज़ा बाटी बनाऊंगी। पिज़्ज़ा की स्टफिंग करूंगी। उसके लिए मैंने आटा ले लिया है 1.5 कटोरी, और उसमें 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल, अजवाइन डाल दिया, हल्का नमक डाला है, और इसमें मैं 2 चम्मच दही भी डालूंगी। दही से इसमें अच्छा सॉफ्टनेस आएगी बस। और इसको अच्छा सा एक नॉर्मल जैसे रोटी का डो बनाते हैं वैसे डो बना के रख दूंगी, और उसके बाद फिर इसमें फिलिंग तैयार करूंगी। फिलिंग में मैं वेजिटेबल्स डालूंगी और पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी, चीज़ डालूंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने एक डो बना दिया है, अच्छा सा नॉर्मल डो जैसे रोटी के लिए बनाते हैं, थोड़ा सा उससे हल्का सा टाइट, और उसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे और तब बाटी बनाएंगे। वैसे तो मैं तंदूर में बना रही हूँ, लेकिन पैन में भी ये बन जाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। मैं आज पिज़्ज़ा बाटी बना रही हूँ, तो पिज़्ज़ा बाटी के लिए उसकी फिलिंग तैयार कर रही हूँ। तो ये इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है और अदरक डाल दिया है, और इसी में थोड़ी सी बीन्स डाल देंगे, ये बीन्स डाल देंगे, और इसी में शिमला मिर्च डाल देंगे। इसकी फिलिंग बना रहे हैं, और थोड़े से मैं स्वीट कॉर्न भी डाल दूंगा, ये स्वीट कॉर्न भी डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को थोड़े से ना भून लेंगे, तो इसमें जो कच्चापन होगा वो निकल जाएगा, और फिर बाद में इसमें प्याज, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे, और इसमें नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा डाल देंगे, स्वाद के अनुसार। ये देखिए मैंने फिलिंग तैयार कर ली है, इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया है और वो चीज़ भी मिला दिया है। अब यही फिलिंग मैं बाटी में भरूंगी। अब मैं सत्तू और पनीर ये सब का प्रयोग ना करके पिज़्ज़ा जो टॉपिंग होती है उसकी फिलिंग करके बाटी बना रही हूँ। अब देखिए आपको कैसी लगती है। मैंने बाटी को बेल लिया है इसी तरह से, ये डो जो मैंने बनाया था उसमें से लेके एक लोई बनाई, लोई बना के कर लिया। अब इसमें ये फिलिंग रख देंगे, ये देखिए ये मैंने फिलिंग रख दी है जितनी आपको डालनी हो, और इसके बाद इसको ऐसे करके पूरा फोल्ड करके इसकी गोल लोई बना लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से उसको गोल कर लिया। अब ऐसे ऐसे करके उसको हल्के हाथ से ऐसे ऐसे गोल कर लेंगे, और ये इस तरह से बाटी बन जाएगी। और इसको हम मैं तंदूर में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो पैन में भी बन सकता है। एक बाटी मैं पैन में भी बना के आपको दिखाऊंगी। इसी तरह से सारी फिलिंग कर लेंगे बाटियों की, और बना के और तंदूर में रख देंगे, 15 से 20 मिनट लगेगा और बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया टेस्टी बाटी बन के तैयार, अलग टेस्ट, अलग रेसिपी, जो कि आपने कभी नहीं खाई हो, एक बार बना के देखिए। सारी बाटी को मैंने अब तंदूर में रख दिया है और स्लो फ्लेम कर दी है, धीमे धीमे आंच में पकेगी। और एक बाटी मैंने पैन में डाला है, ये देखिए पैन में भी बन रही है, और उसको ढक दिया है। ये देखिए मेरी पिज़्ज़ा बाटी तैयार हो गई है। एक मैंने काट के दिखाई है, इसके अंदर चीज़ मेल्ट हो गया है, और 2-3 मैंने ऐसे रखी है प्याज और टमाटर के साथ सर्व किया सलाद के साथ, और उसके साथ मैंने कद्दू की सब्जी, रायता, हरी धनिया की चटनी सर्व की है। और आप अगर कद्दू की सब्जी नहीं तो भरते, बैंगन के भरते के साथ कर सकते हैं। मैंने आज कद्दू की सब्जी के साथ फ्राई किया है, बहुत ही बढ़िया लजीज बाटी, और कद्दू की सब्जी, रायता, चटनी। आप भी एक बार बना के देखें, ये पिज़्ज़ा बाटी बहुत ही बच्चों को पसंद आएगी, और आपको बड़ों को भी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है मेरे चैनल को। नमस्कार। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने उसमें बनाई है तवे पे बाटी, वो भी बन के तैयार हो गई है। तो स्लो फ्लेम पर आप उसको ढक के बनाएँ तो बन जाती है। तो आप चाहें तो तवे बनाएं, तंदूर में बनाएं, आप जैसे आपका मन हो